Hello and good morning everyone. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, हमने last videos में chapters का explanation देखा था और मैंने कुछ pics sends किए थे आपको. Okay? आपको क्या करना है, ये chapter number 12 के MCQs learn करने. It is very easy. ठीक है, यहाँ पे MCQs दिए हैं कि हमारे taps कौन repair करता है, plumbers, पोस्टमैन का वर्क क्या होता है, वर्क कहाँ पर करता है जो पोस्टमैन होता है. ठीक है, तो वो कौन से प्लेस पर वर्क करता है, तो पोस्ट ऑफिस में. तो ये सारे एमसीक्यूज हैं. हमारा स्कूटर्स, कार और व्हीकल्स को कौन रिपेयर करता है, मैकेनिक्स. ओके, फिर हम मनीस को विड्रॉ करते हैं, सेविंग करते हैं कहाँ पर, बैंक्स में. और जो वेजिटेबल्स सेल करते हैं, ठीक है, और हम उनसे खरीदते हैं, बाय करते हैं वेजिटेबल्स, बाय किससे करते हैं हम, ग्रीन ग्रॉसर से. ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज फिलर्स आपको लर्न करने हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन सम क्वेश्चंस आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 ऑन पेज नंबर 100. सी सम क्वेश्चंस आंसर, वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट वन, विच पब्लिक प्रॉपर्टीज आर देयर इन योर विलेज. कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं हमारे विलेज के अंदर. ठीक है, हमारा जो विलेज होता है उसमें पब्लिक प्रॉपर्टीज कौन सी है. पब्लिक प्रॉपर्टीज पहले क्या होता है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो पब्लिक के लिए बनाई जाती है, जिसे हम जैसे पब्लिक पीपल्स लोग यूज करते हैं. ठीक है, तो विलेज के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो पीपल्स और पब्लिक उसे यूज करती है, सारे लोग उसे यूज करते हैं. तो ग्राम पंचायत, स्कूल्स, लाइब्रेरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, टेम्पल्स. टेम्पल्स में क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना, टेम्पल्स में. तो वो सारे लोग पब्लिक, सारे पब्लिक्स और पीपल्स उसे यूज करते हैं. फिर मॉस्क्यूज जो चर्च वगैरह होते हैं, पोस्ट ऑफिस, गार्डन भी सब लोग यूज करते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट्स, पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसे सारे लोग यूज करते हैं और वो पब्लिक के लिए ही बनाए जाते हैं. ठीक है, सेकेंड इज व्हाट इज पब्लिक प्रॉपर्टीज. तो यही सारी क्या होती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे पब्लिक यूज करती है. ऑल द पब्लिक यूजेज देम, दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज. इसका पिक्स मैं सेंड करूंगी इजी शॉर्ट में बनाकर. ओके, ये अभी ब्लैंक रखती हूँ लेकिन पिक सेंड करूंगी तब इसका आंसर आपको सेंड करूंगी. इससे रिलेटेड ही है. थर्ड, नीरव भाई वांट टू रिपेयर हिज स्कूटर्स, टू होम विल ही गो. नीरव भाई अपना स्कूटर्स रिपेयर कराएंगे तो वो किसके पास जाएंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हम अपना स्कूटर्स या व्हीकल्स कोई भी खराब हो जाता है तो हम किसके पास जाते हैं रिपेयर कराने के लिए, तो हम जाते हैं मैकेनिक के पास. ठीक है, नीरव भाई विल गो टू अ मैकेनिक टू रिपेयर हिज स्कूटर्स. फोर, विच ट्रीटमेंट डज अ पेशेंट गेट इन हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स को ले जाया जाता है तो कौन से ट्रीटमेंट्स की जाती है, डॉक्टर कौन से ट्रीटमेंट्स करता है. तो फर्स्ट इज एट द हॉस्पिटल्स, यानी हॉस्पिटल्स में अ डॉक्टर चेक द पेशेंट्स. डॉक्टर क्या करता है, आप बीमार पड़ जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, आपको चेक करता है. ठीक है, आप बीमार होते हो तो आपको चेक करता है एंड गिव, ये गिव है स्टूडेंट जी, एंड गिव हिम प्रॉपर मेडिसिन. फिर क्या करता है, आपको प्रॉपर मेडिसिन देता है, दवाइयां देता है. सेकेंड, अ पेशेंट इज ट्रीटेड फॉर एलमेंट्स लाइक. ठीक है, तो पेशेंट्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, कौन कौन से उसमें बीमारियां होती है पेशेंट्स के अंदर, जैसे कि डायरा हो जाता है, वॉमिटिंग्स हो जाती है, ठीक है, फीवर्स होता है पेशेंट्स को, तो ये सारी चीज़ें चेक करता है, फिर उस प्रॉपर मेडिसिन देता है पेशेंट्स को. थर्ड इज, सॉरी फिफ्थ इज, ऑन पेज नंबर 101, फिफ्थ इज व्हाट इज द यूज ऑफ एम्बुलेंस. एम्बुलेंस का यूज कैसे होता है और किस लिए होता है, तो एम्बुलेंस का यूजेस क्या है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो एम्बुलेंस का यूजेस क्या है, एम्बुलेंस इज यूज टू टेक अ पर्सन हु इज सीरियसली इल क्विकली टू हॉस्पिटल्स. तो एम्बुलेंस का यूज हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारे
घर पे अगर कोई नहीं है और हमें पेशेंट्स बहुत ही सीरियसली है, ठीक है, और उसे जल्दी ही ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, एम्बुलेंस की नंबर्स पर फ़ोन करते हैं, उसे बुलाते हैं, जिससे एम्बुलेंस की व्हीकल्स तुरंत ही क्विकली हमारे घर पर आती है और वो एम्बुलेंस जल्दी से हॉस्पिटल्स पहुंचाने का काम करती है। सिक्स इज विच पब्लिक प्लेस प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटी टू पीपल, कौन से पब्लिक प्लेस है, ठीक है, जो पीपल को प्रोवाइड किए गए, उनको यानी हम जैसे पीपल्स के लिए कौन से ऐसे पब्लिक प्लेस बनाए गए हैं, ऐसे कौन से पब्लिक प्लेस हमारे लिए जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं वो हमें प्रोवाइड्स किए गए, तो ऐसी कौन कौन से फैसिलिटीज़ है जो पीपल्स को प्रोवाइड की गई है, तो ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, पोस्ट ऑफिस, बैंक, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कोर्ट्स एंड हॉस्पिटल, ये सारे पब्लिक प्लेसेस हैं जो पीपल्स के लिए नेसेसरी फैसिलिटीज लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है। सेवन, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस से क्या गेटेड करते हो, आपको पोस्ट ऑफिस से हमें क्या मिलता है, ठीक है, तो वी कैन गेट पोस्ट कार्ड, हम पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, आप विजिट करना कभी पोस्ट ऑफिस की अपने फादर के साथ, तो पोस्ट ऑफिस से हमें क्या क्या मिलता है, पोस्ट कार्ड मिलता है जिससे हम अदर पर्सन को, सामने वाले पर्सन को लेटर्स लिख सकें, फिर इनलैंड लेटर मिलता है, फिर एनवेलॉप्स मिलता है वहाँ पे, पोस्टल स्टैम्प्स मिलता है, मनी ऑर्डर फॉर्म्स मिलते हैं, रेवेन्यू स्टैम्प्स होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, पोस्ट ऑफिस से। क्वेश्चन नंबर 12, वन, व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओवन हाउस, तो दीपाली का क्या वर्क है उनके हाउस के अंदर, उनके हाउस के अंदर उनके दीपाली का क्या वर्क है, फर्स्ट प्रिपेयरिंग फूड फॉर हर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो यंगर ब्रदर और सिस्टर्स के लिए क्या करती थी दीपाली, इस चैप्टर्स में एक दीपाली की स्टोरी थी, ठीक है, दीपाली स्कूल नहीं जा सकती थी, लेकिन स्कूल इसीलिए नहीं जा सकती क्योंकि उसके यंगर छोटे छोटे भाई बहन थे, ठीक है, और उसके फादर और मदर का टेक केयर करती थी, अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर को टेक केयर करती थी, उनकी देखभाल करती थी। सेकेंड, क्लीनिंग द हाउस एंड वॉशिंग क्लोथ्स, और घर के सारे काम करती थी जिसमें अपने हाउस को क्लीनिंग रखती थी और कपड़े भी वॉश करती थी, धोती थी। थर्ड, टेकिंग हर यंगर सिस्टर, अपनी यंगर सिस्टर छोटी बहन का भी वो ध्यान रखती थी। हेल्पिंग हर मदर टू कुक द इवनिंग मील्स, और शाम के टाइम्स, ठीक है, इवनिंग के टाइम्स अपनी मदर को कुकिंग में हेल्प करती थी। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इज उमिक, नाउ टर्न योर पेज नंबर 102 पे, फिफ्थ एंड सिक्स नंबर आल्सो ओमिट हियर, नाउ सी द सेवंथ नंबर, व्हाट जॉब डज अ पुलिसमैन डू, पुलिसमैन की जो जॉब्स होती है उसमें वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इफ देयर इज रॉबरी लूट फाइट्स रियर्ट्स एक्सीडेंट्स इन द विलेज और सिटीज, ठीक है, तो पुलिसमैन का वर्क क्या होता है, क्या जॉब होती है उनकी, अगर सिटीज या विलेज के अंदर कुछ चोर आते हैं या लूट हो जाती है, ठीक है, या तो किसी के बीच में फाइट्स होती है या एक्सीडेंट्स हो जाता है या राइट्स हो जाती है, तो पुलिस क्या करती है, उनके खिलाफ नेसेसरी स्टेप्स उठाती है, एक्शन लेती है उनके खिलाफ, ठीक है, एंड टेक अ नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर पीस एंड ऑर्डर, और उनके खिलाफ एक पीस एंड ऑर्डरली स्टेप्स एक्शन लेती है और फिर उन्हें पनिशमेंट्स करती है। ओके, नाउ एट नंबर इज हाउ आर बैंक यूजफुल टू अस, बैंक हमारे लिए कैसे यूजफुल है, ठीक है, आपके फादर और मदर बैंक्स में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, क्या यूज क्यों यूजफुल है हमारे लिए बैंक्स, तो फर्स्ट इज इट टेक्स केयर ऑफ अवर सेविंग्स, ठीक है, तो बैंक के अंदर क्या होता है, हमारी सेविंग्स की देखभाल होती है, ठीक है, हम उससे सेविंग करते हैं तो बैंक्स क्या करता है, हमारे मनी को हम बैंक्स के अंदर रखते हैं तो बैंक्स क्या करता है, उसकी देखभाल करता है। सेकेंड, इफ नीडेड्स द बैंक रिटर्न्स द मनी वी हैव डिपॉजिट इन इट, ठीक है, अगर हमें जरूरत है, नीडेड मीन्स जरूरत है बैंक में से मनी को वापस लेने की, ठीक है, तो बैंक के अंदर जो भी हमने सेविंग किया है अगर उसे हमें वापस लेना है तो वो डिपॉजिट के साथ हमें रिटर्न करती है, ठीक है, जैसे हम मनी रखते हैं बैंक के अंदर,
तो वो क्या करती है, डिपॉजिट देती है, और फिर हमें जब रिटर्न लेना होता है बैंक से तो वो डिपॉजिट के साथ हमें वापस देती है। थर्ड, बैंक लुक्स आफ्टर अवर ऑर्नामेंट्स एंड वैल्यूएबल्स। बैंक के अंदर क्या होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, गहने होते हैं, ठीक है, उसका देखभाल रखती है। तो बैंक के अंदर अगर हम हमारे घर के ऑर्नामेंट्स और वैल्यूएबल्स चीज़ें रखते हैं तो उसको देखभाल बैंक करती है। फोर, बैंक गिव अस इंटरेस्ट ऑन द मनी वी डिपॉजिट एंड सेव। तो बैंक क्या करती है, जो मनी हमने डिपॉजिट की है बैंक के अंदर, जो सेव की है, उसके ऊपर से हमें इंटरेस्ट और लोन भी मिलता है, ठीक है। तो क्या करती है, बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, जो भी मनी हमने बैंक के अंदर सेव की है, डिपॉजिट की है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चार्ज मिलता है, इंटरेस्ट मीन्स ब्याज मिलता है। नाइन्थ इज स्टेट द फंक्शंस ऑफ कोर्ट। कोर्ट्स के क्या फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो अ कोर्ट ब्रिंग्स अबाउट पीसफुल एंड जस्ट सॉल्यूशन टू पीपल फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। कोर्ट्स में क्या होता है, जो पीसफुल मीन्स शांतिपूर्वक किसी भी पीपल्स के बीच में फाइट्स हुई हो या आर्ग्यूमेंट्स हुआ हो, तो कोर्ट क्या करती है, उसका सॉल्यूशन निकालती है शांतिपूर्वक, ठीक है। तो किसी भी पीपल्स के बीच में फाइट्स हो या आर्ग्यूमेंट्स हो तो कोर्ट्स क्या करेगी, शांति से उसका सॉल्यूशन लाएगी और कंसर्निंग करेगी प्रॉपर्टीज और इनहेरिटेंस को, ओके। तो ये होता है कोर्ट्स का काम। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं इसके पिक सेंड करूँगी आपको, आपका होमवर्क है। ये MCQs और फिलअप्स, ठीक है, MCQs और फिलअप्स क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको MCQs और फिलअप्स लर्न करने हैं, CW नोट्स में राइट डाउन करने हैं। इट इज योर HW इन CW, ओके। तो ये आपको CW नोट्स में राइट डाउन करने हैं, MCQs एंड फिलअप्स। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू चैप्टर्स के साथ।